हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग जो हमारे इंग्लिश से हिंदी में रहेंगे। और फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्ड हैं जिसको मैंने आज के द हिंदू पेपर में से पिक किया हुआ है। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में छह छह वर्ड्स देता हूँ और हम क्या करते हैं, वो वर्ड को याद रखने के लिए उसका हम एक ट्रिक देखते हैं और उसका एक सेंटेंस इंग्लिश और हिंदी में दोनों में देखते हैं, ताकि वो वाला जो वर्ड है हमारा पेपर में जो आया हुआ है वो हम कभी भी नहीं भूल पाए। तो सी, आज का जो मेरा पहला वर्ड है वो है कैटेस्ट्रॉफिक। सो कैटेस्ट्रॉफिक का हिंदी में मतलब होता है विनाशकारी। और जब भी विनाशकारी हो रहा है तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा कैटेस्ट्रॉफिक का? डिस्ट्रक्टिव। और उसका एंटोनिम्स क्या रहेगा? फॉर्चुनेट और बेनिफिशियल। सी, अगर ये वर्ड जो हमारा है कैटेस्ट्रॉफिक, इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है। सी, इसको हम डिवाइड करेंगे कैट स्ट्रोफिक में। तो हमने क्या किया हुआ, कैट स्ट्रॉ से पी गई, तो यहाँ पी को मैंने फी करके बनाया हुआ, क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो उसका स्पेलिंग है PHI। तो सी, कैट स्ट्रॉ से दूध पी के भाग गई, मतलब क्या हो गया, तो हमारा क्या हो गया, विनाश हो गया हमारे जो दूध था। तो इससे हम ये ले लेंगे कि कैट स्ट्रॉ से फी गई, मतलब कैट स्ट्रॉ से पी गई। ऐसा भी एक सेंटेंस, ये ट्रिक हो सकता है। और एक मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है हिंदी में, जापान में कैटेस्ट्रॉफिक भूकंप आया था, मतलब उधर क्या हुआ था, जापान में विनाशकारी भूकंप आया हुआ था। तो उसमें हम विनाशकारी की जगह पे इधर इंग्लिश में वर्ड यूज कर लेंगे कैटेस्ट्रॉफिक, तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। और एक मैंने इंग्लिश में सेंटेंस बनाया हुआ है, और कैटेस्ट्रॉफिक अर्थक्वेक, मतलब उसी का एक जैसे एक मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है, उसको इंग्लिश में मैंने लिया हुआ है कैटेस्ट्रॉफिक अर्थक्वेक, मतलब विनाशकारी भूकंप आया। तो सी, देखिए कितना ज्यादा इजी है, ये वाले सेंटेंस से आप इस वर्ड को हमेशा याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हमारा देखते हैं सेकेंड वर्ड कौन सा है हमारा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है आज का एग्नी। सो एग्नी का हिंदी में मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। तो जैसे आपको कुछ चीजों से कष्ट है तो आप उसको एग्नी बोल सकते हो इंग्लिश में। तो सी, उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पेन और सफरिंग। और एग्नि का एंटोनिम्स रहेगा कंफर्ट या जॉय, मतलब अगर आप पीड़ा में नहीं है तो आप खुशी हैं, हंस खेल रहे हैं, या आप अच्छे से हैं तो कंफर्ट उसको हम बोल सकते हैं, या जॉय बोल देंगे, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा एग्नि का। और इस वर्ड को मैंने याद रखने के लिए यहाँ आपको मैंने एक ट्रिक दिया हुआ है, और वो ट्रिक है एज होने पर एग्नि, मतलब जब भी हम हमारा एज बड़ा होते जाता है, जब भी बुढ़ापा आता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, कष्ट होता है। तो एज होने पर क्या होगा, अग्नि हो जाएगा, मतलब पीड़ा होने लगती है। तो ऐसा आप भी याद कर सकते हैं। और एक मैंने हिंदी में सेंटेंस बनाया हुआ है, अग्नि बताते हुए कभी कभी हम रोने लगते हैं, मतलब कष्ट बताते हुए या पीड़ा बताते हुए बयां करते हुए हम क्या होते हैं, कभी कभी रोने लगते हैं। ये भी एक सेंटेंस है, इससे भी आप ये वर्ड याद रख सकते हैं। और इंग्लिश में एक मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है, व्हेन माय डॉग डायड आई वाज इन इमोशनल एग्नी फॉर मंथ, मतलब जब भी डॉग मेरा क्या हुआ, मर गया, तो मैं इमोशनल में क्या हुआ था, कष्ट हुआ था मुझे, या मुझे पीड़ा हो रही थी और कुछ दिनों तक था। ऐसा मैंने एक सेंटेंस आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ताकि आप ये वर्ड को नहीं भूल पाओ। तो सी, सबसे ज्यादा अच्छा ये है कि एज होने पर क्या हो जाएगा, एग्नी, मतलब पीड़ा होने लगता है। तो आप ऐसे एक रिलेटेड वर्ड इसे याद कर सकते हो। तो सी फ्रेंड्स, देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से जो जनरल वे में सेंटेंस हमारे होते हैं जो रिलेटेड नॉर्मल लाइफ में चलते हैं, उसको मैंने उसमें ये वर्ड कैसे यूज किया और एक हम सेंटेंस बनाया हुआ है हमने, ताकि हम ये वर्ड को कभी भी नहीं भूल पाए। तो देखते हैं भी आज का मेरा नंबर थ्री वर्ड कौन सा है हमारा। फ्रेंड्स, आज का जो थर्ड वर्ड है वो है कैरिकेचर। सो कैरिकेचर का हिंदी में मतलब होता है कार्टून बनाने वाला, या कार्टून वाला बोल सकते हो आप, या उसको बोल सकते हो। और एक हास्य चित्र हो जाएगा, मतलब उसका एज अ कार्टून हम किसी चीज का बना रहे हैं। तो सी, उसका सिनोनिम्स क्या रहेगा, इमिटेशन और एप बोल देंगे हम इसको। और उसका एंटोनिम्स रहेगा वो क्या रहेगा, सोलेमनिटी रहेगा। तो सी, कैरिकेचर को मैंने याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाया हुआ है, वो ट्रिक है हमने क्या किया, कैरी और केचर दो अलग अलग चीजों में इसको हमने डिवाइड कर दिया है, और कैरी को कैरेक्टर मैंने बोला है और केचर को कचरा रीड करने के लिए। तो क्या हुआ, कैरेक्टर का कचरा हो गया, मतलब क्या हो गया, कार्टून बन गया, हास्य चित्र बन गया उसका,
इमेज बन गया। तो सी कैरेक्टर का कचरा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कैरी केचर हो रहा है, कितना ज्यादा इजी है। और एक मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है हिंदी में, नेताओं का कैरी केचर देखने लायक रहता है। नेता लोग का जो हमारा कार्टून बनता है जब, तो वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत मजा आता है उनको देखने में। आप न्यूज चैनल वगैरह पे भी देखते होंगे या इसमें न्यूज पेपर में भी, तो उनका जो कार्टून रहता है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेताओं का कैरी केचर देखने लायक रहता है। और एक मैंने इंग्लिश में सेंटेंस बनाया हुआ है, अ कार्टूनिस्ट कैन ड्रॉ कैरी केचर ऑफ एनीथिंग, मीन्स जो कार्टून बनाने वाला है वो कैरी केचर मतलब एक कार्टून या किसी का हास्य चित्र वो बना सकता है, वो हर चीजों का वो बना ही लेता है। तो सी देखिए, ये वर्ड को याद रखने के लिए हमने कितना अच्छा एक ट्रिक बना हुआ, कैरेक्टर का कचरा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कैरी केचर हो रहा है मतलब उसका कार्टून बन रहा है, कितना ज्यादा इजी है। हमारा फ्रेंड्स आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्लीड। सो प्लीड का मतलब हिंदी में होता है निवेदन करना। तो आप किसी से निवेदन कर रहे हैं या किसी से इजाजत मांग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उसका मतलब, आप क्या कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स रहेगा वो क्या कर रहे हैं आप, उसका क्या हो जाएगा, अपील होगा या रिक्वेस्ट हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स जो रहेगा वो रहेगा हमारा, वो हमारा रिफ्यूज रहेगा। तो सी इस वर्ड को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक लिया हुआ है, प्लीज से प्लीड मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्लीज से प्लीड, ये एक आप याद रख लीजिए, रैमिंग वर्ड जैसा ही है। तो प्लीज से प्लीड आप ये याद रख लो। और इसका मैंने एक हिंदी में सेंटेंस बनाया हुआ है, मैंने प्रधानाचार्य से छुट्टी के लिए प्लीड किया, मतलब मैंने प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल सर से मैंने छुट्टी के लिए क्या किया, निवेदन किया हुआ है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट लिया हुआ है, अपील किया हुआ है उनको। तो ऐसे आप बोल सकते हैं प्लीड किया है, या तो आप एक इंग्लिश में सेंटेंस देख लीजिए, अ प्लीडेड विद हिम टू स्टॉप, ये मैंने लिखा हुआ है, अ प्लीडेड विद हिम टू स्टॉप, मैंने क्या किया उससे निवेदन किया कि वो रुक जाए। तो ऐसा हमारा सेंटेंस हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इजली एक अच्छे जो जनरल वे में, हमारे जनरल लाइफ में हमारे जो सेंटेंस होते हैं उसमें मैंने क्या किया, ये जो वर्ड है उसमें, वो सेंटेंस में मैंने ये वर्ड को अच्छी तरीके से यूज किया है, ताकि हम कभी भी ये वर्ड को नहीं भूल पाए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्लीज से प्लीड कर दिया, वो कितना ज्यादा इजी है। हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है टॉयल। सो टॉयल का हिंदी में मतलब होता है कठिन परिश्रम या कड़ी मेहनत बोल सकते हो आप। तो टॉयल का जो सिनोनिम्स रहेगा वो क्या रहेगा, हार्ड वर्क, या इसको हम लेबर भी बोल सकते हैं। तो सी अगर कठिन परिश्रम कर रहा है या कड़ी मेहनत कर रहा है, तो उसका एंटोनिम्स क्या रहेगा, अपोजिट उसका रेस्ट रहेगा, मतलब वो या तो आराम कर रहा है, रिलैक्स है, रेस्ट है, मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम बोल देंगे कि टॉयल का जो एंटोनिम्स रहेगा वो क्या रहेगा, रेस्ट और रिलैक्स। तो सी ये वर्ड को याद रखने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको मैं कैपिटल लेटर में मैंने लिख दिया। सी टॉयल को हम क्या बोल सकते हैं, टॉयलेट। सी देखिए टॉयलेट, तो ऐसे आप याद कर लीजिए कि टॉयलेट में कठिन परिश्रम मतलब कड़ी मेहनत, तो टॉयलेट, तो ऐसे आप ये वर्ड को याद रख सकते हो। और एक मैंने हिंदी में ट्रिक बनाया हुआ है, सफलता पाने के लिए हम दिन रात क्या करते हैं फ्रेंड्स, टॉयल करते हैं, मतलब कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी कठिन परिश्रम करते हैं। तो सफलता पाने के लिए हम दिन रात टॉयल करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। और एक इंग्लिश में मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है, ही इज टॉयलिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम, मतलब अपने वो बोर्ड एग्जाम के लिए वो क्या कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। तो ये सेंटेंस से भी आप ये वर्ड को याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, ही इज टॉयलिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम, कितना ज्यादा इजी है। देखते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है, हमारा फ्रेंड्स आज का जो लास्ट वर्ड है वो है पेरिश। सो पेरिश का मतलब हो जाएगा हिंदी में नाश, या किसी चीज का नाश हो गया मतलब वो खत्म हो गया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, डिस्ट्रॉयड हो गया या पेरिश हो गया। और उसका जो एंटोनिम्स रहेगा वो क्या रह जाएगा, लिव और सर्वाइव, मतलब या तो बचा रह गया या तो वो सर्वाइव करके बच गया है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो पेरिश को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताया हुआ है। तो सी जो पेरिश ये वर्ड है वो रैम्स किससे हो रहा है, पेरिस से, जो हमारा आप जानते ही होंगे पेरिस को। तो सी पेरिस जो है वो किससे रैम हो रहा है, पेरिस से हो रहा है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। और एक या तो मैंने हिंदी में ट्रिक बनाया हुआ सेंटेंस, ISIS का पेरिश हो गया, मतलब उनका क्या हो गया, नाश हो गया। तो ऐसा भी आप याद कर सकते हो।
कि जो जो भी वो कंट्री में थे तो उनका क्या हो गया, यूएस और जो भी रशिया की आर्मी फोर्सेस थे उनका उन्होंने क्या कर दिया, वो कर दिया पेरिश कर दिया, मतलब उनका उन्होंने नाश कर दिया। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या तो मैंने एक इंग्लिश में सेंटेंस बनाया हुआ है, अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज आर्मी पेरिश ऑफ हंगर एंड डिजीज, तो ये भी हो जाएगा। तो सी, ये जो हमारा पेरिश रहेगा, और ये पेरिस है ठीक है, तो आप इसको पेरिश से पेरिस एक रैम करके आप याद कर सकते हो, नाश हो गया, मतलब ISIS का क्या हुआ, नाश हो गया वो कंट्री में से, इराक में से उनका क्या हो गया फ्रेंड्स, नाश हो गया। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, ये कितना ज्यादा इजी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको अभी दो वर्ड देता हूँ, तो आप मुझे उस दो वर्ड का हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग और उसका आप मुझे ट्रिक जरूर बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको दो वर्ड देता हूँ फ्रेंड्स, ये आपके लिए मैंने दो वर्ड दिया हुआ है, तो आप मुझे इसका हिंदी और इंग्लिश में ट्रिक और सॉरी हिंदी और इंग्लिश में आप मुझे इसका मीनिंग बनाइए, बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसका ये दोनों वर्ड जो है इसका आप मुझे ट्रिक भी जरूर बना के कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर मैं देखूंगा कि किसका सबसे ज्यादा अच्छा ट्रिक रहता है ये सेंटेंस ये वर्ड का। तो जो पहला वर्ड है वो स्टेक है, और जो सेकेंड वर्ड है वो क्या है, कंटेंड है। तो आप मुझे ये दोनों वर्ड का आप मुझे मीनिंग और ट्रिक जरूर बना के कमेंट बॉक्स में करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।